नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ रेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किसी भी सॉन्ग के प्रॉपर कॉर्ड के साथ और कौन कौन से कॉर्ड लगते हैं और कौन कौन से स्केल आते हैं उसके अंदर, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो मैं बताऊँगा आपको सबसे ईजी तरीका, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोई सॉन्ग ले लेते हैं, उसी आधार पर हम उस सॉन्ग के आधार पर हम उसके कॉर्ड के नोट निकालेंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेसन में बताया था एक गाना जुर्म मूवी का, जब कोई बात बिगड़ जाए, उसकी स्केल भी बताई थी। उसकी स्केल जो प्रॉपर स्केल है वो है ई मेजर। अब इसके साथ और कौन कौन से कॉर्ड लगेंगे वो हम उस नोट के आधार पर देख लेंगे। पहले तो हम ई मेजर के जो आरोह अवरोह के जो अप एंड डाउन जो सरगम के नोट हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन से नोट हैं। ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प एंड ई। इतने ये ऑक्टेव के नोट के अंदर ही और हमारी और भी स्केल आ गई हैं। हम और भी आगे तक प्ले कर लेते हैं ताकि और भी स्केल हम अच्छे से निकाल सकें। सेम नोट आएंगे आगे, तो देख लेते हैं। ई मेजर, ई मेजर के एक ऑक्टेव में पहले तो नोट देख लेंगे, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प। तो देखिए एफ शार्प माइनर आ गया, आगे बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, ए मेजर आ गया, आगे ई, एफ शार्प, जी शार्प, सी शार्प माइनर आ गया, और देखिए बी मेजर भी आ गया। तो आपने देखा इन्हीं नोट के आधार पर हमारे और भी स्केल बन गई। ई मेजर तो है ही प्रॉपर, एफ शार्प माइनर, ए मेजर, बी मेजर, सी शार्प माइनर, ये कॉर्ड हमारे इस गाने के अंदर लग रहे हैं। अब कहाँ पर कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग का जो म्यूजिक है, इंट्रो म्यूजिक, वो देख लेते हैं पहले। ई मेजर, सी शार्प, ए, यहां हो गया ए मेजर, ए, एफ शार्प, एफ शार्प माइनर, फिर से ई मेजर, आगे देखिए ई मेजर, सी शार्प माइनर, तो आपने देखा इन्हीं नोट के आधार पर ये हमारे कॉर्ड बन रहे हैं। आगे देख लेते हैं, एक गाने का मुखड़ा देख लेते हैं। ई मेजर के नोट आ रहे हैं, देखिए ई, सी शार्प, यानी कि स्केल के दो नोट हम बजा रहे हैं तो वो उसके स्केल के नोट निकल के आगे सामने। बी मेजर, जहाँ पर एक बात और ध्यान देना, जहाँ नोट होल्ड नोट है, जहाँ पर रुक रहे हैं वहाँ पर हम लेफ्ट हैंड का कॉर्ड रखेंगे। तो अभी गाने का अंतरा भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए शार्प नोट लग रहा है, तो यहाँ पर वैसे ज़्यादा होल्ड नहीं है, फिर भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पर लगेगा एफ शार्प मेजर, देखिए डी नोट आ गया, तो डी नोट आते ही स्केल चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा डी मेजर। कभी कभी ऐसा होता है कि वो रूट पे कॉर्ड नहीं है, लेकिन कभी राग चेंज होने से वो कॉर्ड चेंज हो जाते हैं वहाँ पर, ऐसे यहाँ पर होगा डी नोट आने पर डी मेजर।
दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से किसी भी सॉन्ग के कॉर्ड हम फाइंड आउट करेंगे उसके नोट के आधार पर। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के जरिए किसी भी सॉन्ग के कॉर्ड निकालना सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाला वीडियो मिलता रहे और आप सीखते रहें। थैंक यू।